हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दशहरे के पूजन की ही तैयारी करने के लिए बच्चे मार्केट आए हुए हैं अपने डैडी के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रसाद होता है वो दही और लड्डू का होता है, तो वो ही लेने के लिए गए थे बाज़ार में और अभी आ चुके हैं। और मैं थोड़ा ये भी था कि मैं काम कर रही हूँ तो आप लेके चले जाओ बच्चों को, थोड़ा मेरा भी थोड़ा आराम से काम हो जाएगा। और ये मम्मी दशहरा बन लिख रही है यहाँ पे, और ऐसे बनाया जाता है हमारे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे कैसे बनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ऐसे गाय का गोबर होता है, उसके ये 10 बनाए जाते हैं। और ये मैं इनमें वो कर रही थी, जो ये होते हैं नोरते बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये मैं लगा रही थी। इनका भी पूजन होगा आज, ये जब माता रानी को स्थापित करते हैं तभी लगाए जाते हैं। और बस इन सब चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे, और खाना वाना मैं बना चुकी हूँ पहले ही। और बच्चों ने अपनी किताब वगैरह सब रख ली थी। इनका ये था कि मम्मा जो हार्ड होता है ना सब्जेक्ट, हम वो ही रखेंगे जिससे हमें ना जल्दी से पढ़ना आ जाएगा, इनका ये था। तो इन्होंने जो इनको लगा, मम्मा मैं तो GST रखूँगा, और अक्षु ने मैथ रखा और कॉफ़ी रखी, इनको जो भी लगा बेचारों ने अपनी कॉफ़ी किताबें यहाँ पर ला के रख दी। और मैं यहाँ पर श्री राम लिख रही थी, जय श्री राम। तो मम्मी पूजन कर रही थी और कलावा वगैरह मैं ही बांध रही थी सबको, मतलब बच्चों को क्योंकि इनको तो मम्मी ही बांध देगी। फिर मैंने नन्नू को दे दिया था कि नन्नू आप डैडी को बांध दो कलावा। तो और गन्ना वगैरह का भी पूजन होता है, तो गन्ने को भी मैं कलावा बांध दूँगी। और मम्मी और ये पूजन कर रहे थे, और बच्चे तो इतने बैठने में थोड़ा इतना भी परेशान नहीं कर रहे थे अब की बार, तो वरना हर बार अक्षु तो बेचारा बैठ ही नहीं सकता शांति से, हवन हो या कुछ पूजा हो, ये बहुत परेशान करता है, शांति से नहीं बैठ सकता। तो वहीं यहीं पे वही पूजन चल रहा है हमारा। बस थोड़ी बहुत ही पूजा ये भी कर लेते हैं अपना ये है कर लेते हैं भाई, जैसे भी करते हैं अपने घर में जैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो पापा जी करते थे, और जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई थी फिर मम्मी करती है, और अब थोड़ा थोड़ा मम्मी को देख के हम भी कर ही लेते हैं, जैसे मम्मी करती है ऐसे ही कर लेते हैं। और किसको बुलाएं पूजन के लिए, जैसा भी होता है हम खुद ही कर लेते हैं अपने घर में। Yeah.
बस ये 7 राउंड लगाते हैं और इसमें बोलते हैं उत्तर का घोड़ा, दक्षिण का नीर, पश्चिम का वर्दा, पूरब का चीर। सब मिलके आपस में बोल रहे थे श्री राम जी का पायता, इस तरीके से बोलते हैं। और बस बच्चों को अच्छा लग रहा था, बच्चे खुश थे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। होता तो हर बार ही है पर बच्चे भूल जाते हैं कि सबका ना अलग अलग होता है, किसी के यहाँ पे रायता बनता है। अच्छा। रायता तो हमारे यहाँ नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ पे तो देख लेते हैं पहले से, बचपन से यही देख रहे थे। हाँ, किसी के अलग अलग ये होता है प्रसाद। लो भैया आप भी सब ले लो प्रसाद। जय हो, जय हो। ले बेटा आप लो पहले, मैं ले लूंगा अभी। तू ले रहा है ना, आप जब तू खाएगा थोड़े चम्मच लेंगे। प्रसाद के मैं निकाल चुकी पहले ही दो। मम्मा पास लाऊंगा। नहीं हाथ से खा लेंगे। बस ये थाली हमारे यहाँ निकलती है ऐसे ही। तो खाना पहले ही बना के, क्योंकि मुझे पता था कि पूजा में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने खाना पहले ही बना के रख दिया था। और ये थाली और ये सिंघाड़े सबको ही पता है भाई, सबके यहीं पूछता है। और बस फिर बहन अपने भाई को ये रखती है कान के पीछे नोरते, और यही रख दी थी बिट्टी। दोनों साइड पर रखो बेटा। खाना खिलाओ इस दो भाई को। इधर को देखो दोनों, बाबा इस वाली उंगली से बेटा, इस वाली से। हाँ चावल लगाओ। तो चलिए फिर आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।